तो हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और वेलकम टू माय चैनल लाइफ जर्नी विद एमडी। तो मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स, और प्यार भरा सबको नमस्ते मेरा। तो फ्रेंड्स, फेस्टिवल का सीजन चल रहा है और तो फ्रेंड्स दिवाली आ गई है, बिल्कुल पास आ गई है। और आज की थी धनतेरस और कल है छोटी दिवाली। तो आप सबको धनतेरस और छोटी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से फ्रेंड्स, और मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली की तरफ से, और मेरे फ्रेंड्स को ढेर सारी शुभकामनाएं धनतेरस और छोटी दिवाली की। तो फ्रेंड्स, दिवाली आ गई है तो हमें दिवाली का फराड़ या नाश्ता तो बनाना ही होगा। तो वही मैं आपके साथ ये जो वीडियो है आज का वही मैं शेयर करने वाली हूँ कि मैंने आज दिवाली के नाश्ते में क्या क्या बनाया, वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड, दिवाली जो ऐसा त्यौहार है कि यहाँ पे सभी लोग दिवाली, चाहे गरीब हो या अमीर हो, सभी लोग मनाते हैं दिवाली। तो दिवाली के ऊपर सुंदर सुंदर गीत भी बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं। तो फ्रेंड्स, एक मराठी जो गीत है दिवाली के ऊपर लिखा, वही मैं आपको दो लाइन सुनाती हूँ, शायद आपको पसंद आए। तो फ्रेंड्स चलो चालू करते हैं। आली माझा घरी ही दिवाळी, आली माझा घरी ही दिवाळी, सप्तरंगात नाहून आली, आली माझा घरी दिवाळी, आली माझा घरी दिवाळी। जिस किसी ने ये सॉन्ग के, इस गीत के शब्द लिखे हैं, उसके तो बिल्कुल हाथ चूमने को दिल करता है। इतने अच्छे शब्द है, ये मराठी सॉन्ग है, लेकिन बहुत, जब मैंने आज मॉर्निंग में सुना ना, तो मुझे बिल्कुल दिल को छू गया ये सॉन्ग दिवाली के ऊपर। तो बहुत ही अच्छा गीत है, तो कभी आप बिल्कुल सुनिए अपने मोबाइल में या फिर अपने घर पे। तो आप बताना ये जो दो लाइन मैंने गाई है आपको कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, आज मुझे ना थोड़ी शॉपिंग करने भी जाना है, क्योंकि आज धनतेरस है तो मैं थोड़ी शॉपिंग करने जाऊंगी, और साथ में ना आज घर को डेकोरेट भी करना है। बिल्कुल मेरे यहाँ लाइटिंग लगी नहीं है अभी तक। जो लाइटिंग पहले की थी सीरीज, तो वो पूरी बेकार हो गई है, ख़राब हो गई, तो हम लोग को न्यू लेना है। और आपको तो पता है कि हमारे ऊपर का काम चालू था, वो रूम कम्प्लीट हो गया है, तो उसको भी आज लाइटिंग से सजाएंगे, और सामने का पूरा पोर्शन हम लोग जो भी है लाइटिंग लगाने वाले हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, अब जो भी मैंने बनाया है वो आपके साथ शेयर करती हूँ वीडियो में। और तो आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा फ्रेंड्स, और पसंद आएगा तो मेरे चैनल लाइफ जर्नी विद एमडी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और मुझे बताएं कि आपकी तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची है। तो चलिए फिर मैं बताती हूँ आपको मैंने क्या क्या बनाया। हाँ फ्रेंड्स, ये जो गुजिया थी मैंने एक दिन पहले ही बनाई थी धनतेरस के, रात में टाइम मिला था। तो यहाँ पे क्या किया था कि कोबरा की इसकी मुझे बनाना था, तो बस शक्कर पीस के इसमें मिला दिया था, सारे मेवर ड्राई फ्रूट्स मिला दिए थे, और ये आटा, मैदा और रवा मिला के, और घी का मोयन लगा के मैंने मल के रख लिया था। और ये जो साँचा है गुजिया का, बस इससे ही मैं भर भर के बना रही थी। तो क्या होता है कि फ्रेंड्स, आप अकेले रहते हो ना, तो ऐसी सब चीज़ें करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन क्या करें, जब बच्चों को आपके पसंद है तो आपको बनाना ही होता है। तो यहाँ पे ना मेरे बेटे को ना लड्डू से ज़्यादा गुजिया बहुत पसंद है, ये खोबरा कीस वाली, तो मैं हमेशा उसके लिए बनाती हूँ। इसके पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया, जब वो पुणे जा रहा था तो मैंने उसको गुजिया बना के दी थी ले जाने के लिए। तो आज भी बोले, मम्मी गुजिया बनाओ आप, लड्डू नहीं बनाना। तो मैंने कहा ठीक है, गुजिया ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे गुजिया भर रही थी। तो क्या है, साँचे से भी बना सकते हो आप, और सिंपल हाथ से भी ऐसा गोल बेल के भर के बना सकते हो। तो यहाँ पे तेल गर्म हो गया था, तो धीमी आँच पे आपको गुजिया तलना है, ताकि आपकी गुजिया अंदर से कच्ची ना रहे। तो सभी गुजिया मैंने इस तरह धीमी आँच पे तल ली, और देखिए कितना अच्छा कलर आया था गुजिया। इस प्रकार से मैंने दिवाली का नाश्ते में गुजिया भी अपनी रेडी कर ली। गुजिया तो बन गई थी, तो इसके बाद मैं बना रही थी यहाँ पे चूड़ा।
तो पतले पोहे का चूड़ा बना रही थी, तो बस कांदे को मैंने कट करके ना थोड़ा सा सुखा लिया था धूप में, और मिर्ची को भी। इससे क्या होता है कि आपके जो कांदे या प्याज जल्दी तल जाते हैं, लेकिन देखिए बिल्कुल डाले बरबर मेरे काले होने लग गए थे और थोड़े से मेरे जले जैसे भी हो गए थे। तो इस बात का ध्यान रखिए कि अपना जो गैस है ना धीमी आँच रखिए स्टोव की, गैस की, क्योंकि क्या हो जाता है पहले सूखे रहते ये कांदे तो जल्दी जलने लग जाते हैं। और बस प्याज तलने के बाद में यहाँ पे मिर्ची मैंने अच्छे से तल ली थी, और मिर्ची तलने के बाद में मैंने शेंगदाने तले थे, और सूखे रहते ना मिर्ची भी जल्दी तल जाती है, तो इसलिए क्या करने का कि बस धीमी आँच पे तलने का। और यहाँ पे मिर्ची अच्छे से तलने के बाद में मैंने यहाँ शेंगदाने तल लिए थे, और शेंगदाने तल रही थी फ्रेंड्स, ये भी धीमी आंच पे तलो तो अच्छे हो जाते हैं और अच्छे टेस्ट आता है, खाने में क्रंची लगते हैं। या फिर कैसा होता है कि हम लोग ज़्यादा बड़ी आंच में गैस में तल लेते हैं ना तो जल जाते हैं, तो बस धीमी आँच पर ही मैं यहाँ तल रही थी। और ये होने के बाद में अब मुझे क्या करना था कि अपना जो पोहा है वो मैंने जो साफ़ करके रखा है, कभी भी आप पोहे को छान कर ही लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारा कचरा रहता है नीचे में। तो यहाँ पे बस गमले में तेल डाल दिया, जीरा राई धनिया जो भी था डाल दिया मैंने, उसके बाद में यहाँ पे देखिए धनिया भी डाला था मैंने, धनिया से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, और साथ में मैंने खोबरा भी तला था फ्रेंड्स। तो यहाँ पे दोनों अच्छे से होने दिया, उसके बाद कड़ी पत्ता डालना तो बहुत ही आवश्यक है, इससे तो हमारा जो चूड़े का टेस्ट है ना बहुत ही अच्छा आता है, काफ़ी बढ़िया लगता है चूड़ा। तो बस ये होने के बाद में इनको अच्छे से होने देना है आपको। कड़ी पत्ता ज़्यादा डाला था क्योंकि मेरा ज़्यादा था चूड़ा 1 किलो का, तो उस हिसाब से मैंने डाला था। तो बस इनको होने के बाद में इसमें डाल दिया था मैंने हल्दी। हल्दी डालने के बाद मैंने क्या किया था कि इसमें जो मेरा पोहा था जो छान के रखा था मैंने, तो वो मैंने इसमें डाला था। और डालने के बाद आपको क्या करना है कि बहुत अच्छी तरह से मिलाना है आपको पूरे पोहे को, ताकि पूरे पोहे में जो हम मसाला यहाँ पे भून रहे हैं सब उसमें लग जाए। तो यहाँ पे सारा मसाला अच्छे से हो गया था, तो अब मैंने यहाँ पे जो छान के पोहे रखे थे वो मैंने डाल दिए थे, और अच्छे से ये पोहे को मुझे अच्छे से भूनना था ताकि अच्छा कलर ये चूड़े को आए। और काफ़ी अच्छे से भूनने के बाद बहुत ही अच्छा कलर आ गया था चूड़े में, और अच्छा लग रहा था ये देखिए। तो अच्छे से आप इसको ना नमक डाल के अच्छे से भूनिए, बिल्कुल एकदम करारा होने तक आपको भूनना है। और यहाँ मेरा पोहा भून गया था पतला वाला अच्छे से, तो मैंने जो भी मटेरियल भून के रखा था तल के, तो वो मैंने सब मिक्स किया, और उसके बाद दालियाँ भी मिक्स की, तो यहाँ पे मेरा चूड़ा हो गया था रेडी। तो देखिए कितना यमी लग रहा था, और सुगंध भी बहुत अच्छी आ रही थी, स्मेल। तो इस तरह मेरा चूड़ा भी रेडी हो गया, लेकिन काफ़ी लेट हो गया था फ्रेंड बनाते बनाते, पर मुझे आज ही बनाना था क्योंकि कल उतना टाइम नहीं था मेरे पास में, और भी दूसरे काम थे, तो इसीलिए मैंने रात में ही चूड़ा और शंकर पाड़े बनाए। और जो मेरी गुजिया थी वो तो मैंने एक दिन पहले ही बनाई थी, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए यमी वाला बिल्कुल अच्छा सा चूड़ा रेडी हो गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, जैसे ही मेरा चूड़ा बन गया था तो मैंने पहले ही ये शंकर पारे का जो कनक होती है तो वो मैंने नहीं क्या गून के रख दी थी। तो यहाँ पे मैं बना रही थी शंकर पारे, तो इससे क्या होता है कि पहले से आप गून के रखते हो ना तो थोड़ा अच्छा सॉफ्ट आटा हो जाता है। तो इसमें मैंने क्या किया था कि रवा मैदा और थोड़ा सा शक्कर का पानी करके घोल बना के मैंने इसको अच्छे से मल लिया था आटे को, और बस मैं बना रही थी। तो मैं थोड़े मोटे बनाती हूँ, मेरे बच्चों को मोटे ही पसंद है, क्योंकि कैसा है खाने के बाद में क्रंची टेस्ट आता है, अच्छा क्रंची लगता है। तो यहाँ पे बस बेल लिया था और चौकोन चौकोन काट रही थी। तो ये तो हो गए थे मेरे मीठे वाले, लेकिन मैंने नमकीन नहीं बनाए थे, तो मुझे जैसा ही टाइम मिलेगा फ्रेंड्स सब बनाऊँगी मैं नमकीन भी। तो आप मुझे बताना आपने कैसे आप
किस मेथड से बनाते हो ज़रूर कमेंट करके बताना शंकर पाड़े। तो मैं इस मेथड से बनाती हूँ और बस इसको क्या किया था कि आजू बाजू कट करने के बाद में इसको अच्छे से वी बर्फ़ी के आकार में कट करके मैंने अच्छे से तल लिया था और काफ़ी अच्छे ये टेस्टी मतलब बनने वाले थे, क्योंकि देखिए मोटे मोटे मैंने कट किए थे और तलने के बाद काफ़ी ही अच्छे लग रहे थे। यहाँ तेल गरम हो गया था मेरा, तेल गरम होने के बाद में मैंने इसमें शंकर पाड़े अपने डाल कर अच्छे से तल लिए थे। तो तलने के बाद में कुछ ऐसा आपको क्या करना है कि धीमी आँच पे तलना है, नहीं तो फिर अंदर से क्या होता है फ्रेंड्स, ये कच्चे रह जाते हैं हमारे शंकर पाड़े। तो इस तरह मैंने देखिए अच्छे ब्राउन होते तक तल लिए, तो काफ़ी अच्छा कलर आया था इनका और देखते हैं खाने के बाद कैसा टेस्ट आता है। अभी तो पहले माता रानी को चढ़ाएंगे, लक्ष्मी माँ को, उसके बाद ही इसका टेस्ट किया जाएगा। लेकिन सुगंध से तो पता चल रहा था, स्मेल से, कि काफ़ी अच्छे सुंदर ऐसे यमी शंकर पाड़े मेरे रेडी हो गए हैं। तो हम क्या है, कोई भी चीज़ एक साल में तो पूरे साल तो बनाते नहीं है, लेकिन क्या है दिवाली आने पर हम लोग ये सब चीज़ें जो बनाते हैं तो बच्चों को भी काफ़ी पसंद आती है और घर में ही हमें बनाना चाहिए, क्योंकि क्या है रेडीमेड हम जब खरीद के लाते हैं तो पता नहीं वो कैसे बनाते क्या बनाते, तो वो हेल्दी नहीं होता फ्रेंड। तो इसलिए ज़रूर अपने घर में ही बनाइए, बच्चों को खिलाइए, बड़ों को खिलाइए और दिवाली मनाइए। फ्रेंड्स पूरा नाश्ता बनने के बाद क्या हुआ था, रात को बहुत टाइम हो गया था, 10:15 बज गए थे मुझे बनाते बनाते। और यहाँ पे क्या है कि बेटे ने ये देखे लाइटिंग लाई थी ऊपर लगाने के लिए ये सीरीज़, तो देखिए किस तरह इसकी पैकिंग आती है पूरी गोल गोल एकदम, इसको निकालना काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क था। और एक वो लेके गया था ऊपर और मुझे बोल रहा था कि मम्मी आओ ऊपर हेल्प करने, तो बस मैं भी चली लेकर गई ये सब लाइटिंग ऊपर में। तो ये देखिए उसने एक लगा दिया था, इसमें ना हरी हरी छोटी छोटी पत्तियाँ लगी थी और लाइटिंग थी, काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। और ये रहा भूषण, लगा रहा था लाइटिंग, और ये रही मैं तो मैं भी उसकी हेल्प कर रही थी। और देखिए चेहरे पे कितनी थकान थी, काफ़ी थक गई थी मैं सुबह से, आज बिल्कुल काम ही काम हो रहा था। और यहाँ पे क्या हुआ था कि एक सीरीज़ खोल के भूषण ऊपर चढ़ गया था और लगा रहा था, और दूसरी जो सीरीज़ थी लाइटिंग ये मैं खोल रही थी तो पर अकेली से मेरे से बिल्कुल नहीं खुल रही थी। और ये हम लोग ऊपर जो नया रूम बनाए हैं वहाँ पे ये सजा रहे थे, तो कुछ इस तरह ये लाइटिंग लग गई थी। और देखिए कुछ इस तरह इसका व्यू आ रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था लाइटिंग लगने के बाद में, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था ये व्यू। तो फ्रेंड्स आपकी तैयारियां कहां तक पहुंची मुझे ज़रूर बताना। मैंने तो आज नाश्ता भी बना लिया और थोड़ा बहुत अपना घर का भी डेकोरेशन कर लिया। आई होप फ्रेंड्स आपको ये ब्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा मेरा आज का वीडियो। तो मेरे चैनल लाइफ जर्नी विद एमडी को ज़रूर सब्सक्राइब करना और लाइक करना फ्रेंड्स। और आप सब अपना ध्यान रखना और ध्यान से काम करना, बच्चों का ध्यान देना फ्रेंड्स। मिलती हूँ और एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।